तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले है भाई, इसमें बोला कैसे ये? अगर आप ऐसे इंसान हैं, प्लेन बंदे तो बोलिए। दादी वैसी आवाज आ रहा बंद हो गई है। हेलो ठीक, चलो थोड़ा और तेज बोलना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा तेजी बोलना है, हमको भी थोड़ा तेज बोलना, मतलब आवाज तेज है बट माइक का काम तो पकड़ना है, वो ऐसे ही है तो नॉर्मल आ रही है। चलो शुरू करो, स्वागत करें फिर, वेलकम कर दे, वेलकम, सो वेलकम है। और भाई आज हम लोग एक ऐसे ऐसे मां बन जो यार उन लोगों की, क्योंकि डेली अच्छे से सुनते हैं वो लोग, तो भाई वेलकम है आज जो क्या यार, वैसे नहीं यार स्वागत है वाला लाइव स्वागत है ये थे वो माइक टेस्टिंग क्या कर दिया तुम, तो फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। चलो भाई, तो भाई स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे, और आज हम लोग नया प्लेयर लेके लॉन्च कर रहे हैं, नया खिलाड़ी आया है, बताना है कितनी गालियां दोगे इसको क्योंकि और तो कुछ मिलने से रहा, और कोई तो तुमको हक है इस चीज का कि तुम्हें कुछ और ना मिले गाली दो ठीक है। तो भाई क्या लेके आए फिर आज? तो गाइस इंट्रो कुछ आज हम लोग ऐसे ही रहेगा ठीक है। तो पहली चीज तो एक प्रमोशन जो रहता है हमारा वो मैं कर देता हूँ कि एक चैनल है जो व्लॉग बनाता है, तो मेरे ऊपर आ रहा होगा उसका वीडियो के एंड में मैं लगाऊंगा लास्ट में चैनल का, तो उस पर जाकर क्लिक करके देखो, व्लॉगिंग स्लॉगिंग कैसे मजे मचाती है लोगों ने। बाकी फिर जैसा कि जानते हो हमारा फॉर्मेट सिर्फ गलती निकालनी, तो हम लोग लाए हैं आज इंडियाज गॉट लेटेंट का नया एपिसोड जिसमें उसका बाप आया है तन्मय भट्ट, जिसका वो तन्मय भट्ट और वो और रघु रघु मच्छर की जाट ठीक है। तो हम लोगों ने और भी एक लोग होंगे, तो सबसे मेन चीज कि समय के पापा आए हैं उसपे, और साथ में इन लोगों का ये भी सुना है कि चोपे पे मारते थे, चोपे इन द सेंस समय तन्मय भट्ट का लेता था पहले इस, हाँ मार्केट में आने से पहले इन द सेंस उठाता था ठीक है, फिर जब थोड़ा रेलेवेंट हो गया तो साइड हो गया, तो ये चीज तो तुमने उसमें देखा होगा वो वाले शो में क्या बोलते हैं, अरे वो तो बहुत जगह बोला गया यार इसको तुमने, वो तो बोला गया प्रिटी गुड दोस्त तो देखा है उसमें ये एक में गया था तो उसमें ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम लोग सिर्फ यही मेरे लिए बोलोगे, कुछ नया नहीं लेके आए हो, ये सब बोल के ये स्मार्ट बन गया था, बट भाई जिसका लिया है तो आदमी वही ना बोलेगा, और अलग से किसी के थोड़े ना बोल देगा कि तुम उसका भी ले लिए हो, तो ऐसे ही है। अभी देखो लास्ट एपिसोड में उसको लाया था करिए को, जो वो था अफ्रीकन या कुछ भी था जो आया नहीं था, हाँ, वो क्या, 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 समझ गया समझ गया, अब उसका लेने लगा होगा, हो सकता है जो सब पसंद आ जाए, अब हम लोग बोल अपनी अपनी पसंद है घर से ये बोल, हाँ क्या बात, हेलो पास कर लो, हाँ भेज दिए थे उसी से रहने वाले काफी घंटे कल तो भाई तन्मय भट्ट, हाँ तो भाई स्टोरी समझा दी है इसको, कॉल आ गया था वो सब तुमने देख ही लिया वो कैमरे में डाल देंगे तो तुम लोग के नहीं क्लिप्स ठीक है।
बता दिया। और सबसे बड़ी चीज ये है, तुम्हें लगेगा स्क्रिप्टेड है, बट इसने अभी तक एक भी ऐसा लेटेंट नहीं नहीं दिखा है, और प्रीटी गुड रोस्ट शो भी इसने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, जान रहा है उसको शो आया ये भी जान रहा है, बट देखा नहीं है। तो आज देखते हैं कि ये क्या, इसको पहली बार फर्स्ट देख रहा है तो टाइम, कैसा रिएक्शन रहेगा फर्स्ट इसका। टाइम फीडबैक जाएगा मेरी तरफ से। हाँ, और ये तो बहुमूल्य फीडबैक है, हाँ जबकि हमारा काम है नेगेटिविटी फैलाना तुम लोगों के कंटेंट पे, फेवरेट वालों के। ऐसे नहीं, हाँ नेगेटिविटी ऐसे नहीं फैलाना चाह रहे हम लोग। तो देखते हैं क्या ये आज कबूतर छोड़ेगा, सब सफेद वाला, सफेद वाला कबूतर ही छोड़ते हैं ना पीस के लिए, इसके लिए या डोव छोड़ते शांति, हैं, डब नहीं, कबूतरी। कबूतर ही उड़ा जाता है गाइस। ठीक है, तो चालू शुरू करें फिर, लेकिन करो फिर, चालू करो। क्या पता अभी कमेंट बोले नहीं डब ही होता है। डब वो तो लगा लेना। ये पहली बार किया है हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज गॉट टैलेंट। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ। कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो, इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो। खाना पीने के लिए पूरा करता रहता है, इंडिया के कोने कोने से लोग ये सब अच्छी चीज दिखाने के लिए आए जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा। ठीक है, और शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा, मतलब बिल्कुल वो है कि किसी का शो से हमें पता चलेगा तुम्हारा वो टैलेंट क्या है। वो गया आपने वो जो नंबर होता है अपने लिए इतना मिलेगा, तो वो है विनर। मैं आपका फेवरेट था ये वाला फेवरेट, जो ऑडियंस या टिकट का जो भी पैसा है वो ये लोग विनर को देंगे। कॉन्सेप्ट के सही है कि जो लोग लोग जिस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं वो विनर को डायरेक्टली, पर अगर स्पॉन्सर मिलता तो फिर स्पॉन्सर से पैसा लगता, तो वो तो भाई बीच ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रघु मेरे भाई, आ जाइए। भाई रघु भाई कहाँ है? तो बहन छोड़ते नहीं, मतलब ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं कि गाली दे के फेमस नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो भाई रघु को ये भी सी रोडी में गाली देते हैं। एक बार जोरदार तालियां फॉर द पैनल मैन, कम ऑन। अरे अपने पापा से बात नहीं किया, हमने पापा का सुपर एक्सेल फॉर द शो टू बिगिन मेरे भाई। रघु भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए यार, कम ऑन। चीज उसका पापा गुस्सा हो तो रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं कर। मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। हां जी, हुआ क्या कि पिछली बार मैं और तन्मय एक साथ आए थे तो काफी, अब हम पे 15 पुलिस केस है, 15 पुलिस केस। सर प्लीज 16 16। ट्रांसफॉर्म हो रहा है तन्मय भट्ट, तो करण जोहर बनना चाहता है आगे चल के, वैसा लग रहा है ना कि करण जोहर ही बन जाएगा। फेस पतला होते जाएगा तो उसका सिमिलर फेस हो जाएगा करण। तो भाई हरकत तो है ही ना, ये और समय लोग लेना देना भी तो करते हैं, तो ये चीज होगी। तुम पूरा एकदम प्रेफरेंसेस है तो भाई ये बाय लुक वैसा क्यों बनना चाहता है, जैसा था वैसे नहीं करता। वो उसको आइडल मानता होगा ना भाई, तो छोटा पड़ रहा होगा ना, मुंह में जाता है इसे, तो पतला हुआ है, बड़ा हो गया देगा। नहीं भाई, अपना आइडल जिसको मानते उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं ना सब। बट रीजन पतला होने का ये है कि ये बड़ा हो जाए थोड़ा सा, मोटे लोगों का चर्बी आ जाता है ना आगे, तो उसको दे नहीं पाता होगा मुंह में सही से, बड़ी दिक्कत समझ रहे ना, वो दिक्कत है उसके लिए होगी ना, समझे। शुरू करते हैं गाइस, इट्स अ प्रीटी गुड रोस्ट शो ऑफ समय रहना, चलो गाइस शुरू करते हैं आगे। भी है यहाँ पर, इज शी हियर? नैटली आर यू हियर? इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आई विल टेल यू, आई लव यू बेबी, आज जो भी होगा ना डरना मत, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ मी और एनीवन हियर, ओके? अच्छा आज आपका असली रूप देखेंगे वो, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर मैं भड़क रहा हूँ तो शांत रघु, शांत रघु ऐसे बोल देना, ठीक है? काम मी डाउन, डोंट एनकरेज मी। आज भी मैं और रघु स्टेज पे, तो केस तो आने वाला है डिवोर्स का। फिर हिंट दिया कि रघु का डिवोर्स करा के अपने साथ लेगा तेरा। तन्मय भाई मेकिंग मी लुक फैट। अरे कल ही मैं किसी को बोल रहा था, यू नो आई ऑलवेज न्यू मैन, वन डे समय वुड बी बिगर देन मी, लाइक हाँ मोटा तो लग रहा है आजकल, लग तो रहा है।
Love you so much, bhai Tanmay bhai. Kaise lag raha hai? Kaise? How are you feeling, bro? You're losing weight. Everything's going well. Everything's going well. But I'm very, very happy for you, bhai. Samay Rana ke liye taali. Level in this is normal. Na to bol. Very, very happy for you. Very, very excited to be on the show. Or I just think it's cool that Sid Warrior is here, because yeah. This is a show where first mental patient comes and then he fixes them. Is that it? Main wahi keh raha hoon ki मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है एक न्यूरो साइंटिस्ट का दिमाग फ्राई होते हुए देखूंगा मैं नहीं गाइस डू यू नो सिड वॉरियर यस सो ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट ये यूट्यूब पे आते हैं इज अ यूट्यूबर आल्सो ये यूट्यूब पे जाते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दोस्तों सोशल मीडिया मत यूज करो दिमाग खराब हो जाता है उससे See, this goes to show that the more successful a comedian becomes, the more in need they are of a doctor. I'm glad to be here. Thanks for having me. And lawyer. And we also need a room for no rent. So we have Balraj guy. Balraj will fight. Hai koi nahi. Balraj. Ye space ka owner hai. Kya hi hai? Kya baat hai ye? You know, I think that Samay has solely, for the very specific reason, created this show. Just so he can be a judge on some panel. Comedy to kharab hai aapki, but theek hai. Should we begin India's Got Latent? So make some noise for the first act, Malai Mundra. Malai Mundra? मुझे ना रखी है एक बोला अग्रेसिवली गाइस वाह ये चीज इनमें से कोई बोल देता ना अभी तो सारे लौंडे के सब निकल गया होता बुलाती है मगर जाने का नहीं बड़े सयाने कह के गए बुलाती है मगर जाने का नहीं मंजूर थी मुझे हुस्न सजा मंजूर थी मुझे हुस्न सजा कमबख्त एक बार बुलाए तो जरा एक दफ़ा ऐसा आया उसने बुला लिया एक दफ़ा ऐसा आया उसने बुला लिया कहा आ जाओ घर पे कोई नहीं है उसने कहा आ जाओ घर पे कोई नहीं है मैं गया और घर पे कोई नहीं था खैर छोड़ो ये बात कई साल पहले की कहानी गुनगुना रहा हूँ अब वो तो आगे बढ़ गई और जोक्स मतलब बोलते ना जो किताबों में रील्स में आते रहते हैं वही बस छात्र तो क्या पता उसका प्लान हो ये करके जीरो नंबर मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं अक्सर हम मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं यू लुक फॉर सपोर्ट अक्सर हम मोहब्बत में खफा हुआ करते हैं उस दोस्त को चुनो जो बोले छोड़ ना चल नशा करते हैं थैंक यू अब गार्ड दिखा दिए इसकी सब कोई गार्ड बोला ही नहीं करूं इरशाद हो या इरशाद मैं शायर तो नहीं मैं शायर तो नहीं पर भोसड़ी वाले तुझसे अच्छी कर लेता हूँ आई एग्री ही केम टू सपोर्ट यू भाई फेल्ट इट ब्रो यहाँ लिखा है यू हैव मेड टू वुमेन फेंट इन योर स्कूल केमिस्ट्री लैब में HCl सुंगा दिया था तो वो वेपराइज होता है तो फिर मेरे को बैन कर दिया था मतलब गलती से सुंगा था मेरे को पता नहीं था वेपराइज होता है HCl आई डिडंट नो इट वाज आई एम ट्राइंग टू डिसाइड इसके पोएट्री बकवास है या फ्लर्टिंग स्किल्स देखो आज मैं और रघु तो जेल नहीं जा रहे ठीक है ये तो कंफर्म हो गया आज सो आई एम फीलिंग सेफ तो वो लड़कियों से फिर आपकी बात हुई सॉरी बोला आपने उनको हाँ नो वी वर फ्रेंड्स ओनली आई डिडंट नो कि दिल फेंट वो मैंने बस पता नहीं था कि देख क्या है तो तूने खुद क्यों नहीं सुना मैंने भी किया हां इसके अंदर है तो ये मत लगता है कि मक्खन है क्या बेहोश होते पर लड़के कई बार सूंघ के ना खून बता भी समझने लगते हैं कंफ्यूज वाले ये साइड इफेक्ट भी रिसर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है यहां लिखा है कैन यू कैन वेक अप एट एनी टाइम यू चूज टू हां मतलब हाउ अबाउट नाउ Malai ji, in what field do you want to pursue a career? Not writing. I'm a chalak man. Thank you. Haan ji. I'm not sure yet. You're not sure like, yet? My college ended just
2 months ago. And what stream did you do your education in? I did finance. And does it ever cross your mind that your future employee could be seeing this video? No. I'm more worried about that the girl he eventually will lose his virginity to. She's also watching it. What chance bhi kiya ab tera? Aur isne bhi ye pehle bol liya ki isne abhi tak kiya hi nahi. Kitna hai? Isne nahi liya seedhe virgin. So abhi tak kar nahi paya. Bhai no. Matlab hota hai bhai? Decide kar. It's pronounced male and it means mountain. Ah. So he male like HIMALAY. Oh, so that's, oh, Malai Pardis. You love mountains? Malai. I don't have an opinion. Oh my god. What like, did you just say? I don't have an opinion. About mountains. Matlab sahi hai. Are yes or no bolna hai. Do you like mountain? No. You know, I mean, haven't really. Have you ever been to a mountain? Yeah. You still don't have an opinion? No, I like it, but I don't think I love it. Matlab theek hai. Malay, have you traveled enough to the mountains, to the beaches? Are you like a stickler for just being in one place? Stickler? Sure. I'm sorry, I know English, brother. Ah, baap ke paas crore rupaye honge to aayegi na. Which reminds me, we have a sponsor, guys, today. Yes. The sponsor is called Wok Talk. More about them when the noodles come. ठीक है, उनका noodle बहुत ही crazy होते हैं. उसपे आपका opinion लूँगा मैं बाद में आपसे. Even I can cook with Wok Talk. हाँ? What? मतलब इतना अच्छा होगा वो कि even I'll be able to cook. ये episode से edit ना होने की कोशिश है मैं तो देख रहा हूँ. Sponsor का. अरे क्या timing है भाई? एक बार जोरदार तालियाँ for Wok Talk man. तो भाइयों, Wok Talk is one of the best Chinese cup noodles. ये 4 मिनट में बन जाते हैं. आप इस पर गर्म पानी डाल सकते हैं. इनमें कौन कौन से फ्लेवर हैं अब वो याद करने के पैसे तो नहीं मिले मुझे, पर बहुत लवली प्रोडक्ट है यार ये. HCL फ्लेवर, नाइस, गुड. तो इट्स प्रीटी गुड, इट्स प्रीटी गुड. एंड देयर द बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दैट दे स्पॉन्सर द शो. हिमालय गया तू? पर्सनली ऑफेंडेड. Shit! वहाँ पे थोड़ी स्पॉन्सर कर रहा है वीडियो. मलाई नाम है तेरा? भाई ऐसा क्या? भाई आपका भी तो नाम रघु है. आपको घू थोड़ी पसंद है? थोड़ा सा चाहिए इसको भी देना पड़ेगा तभी ना. पसंद है. अरे भाई, भाई गया गया. स्पॉन्सर को नहीं भाई, स्पॉन्सर को नहीं भाई. बड़े बड़े क्लूलेस धक्कन देखे मैंने अपने लाइफ में. सीरियसली, नोबडी इज एवर गॉन टू द हिमालयस. आई डोंट हैव एन ओपिनियन. डू आर यू अ माउंटेन पर्सन? यू सीम वेरी अटैच्ड टू माउंटेन मैन. आई एम. Yeah. I am beach and mountains, everything, man. I have opinions. I am attached to opinions. Oh, okay. This guy doesn't have any. Apologize. So, how many mountain peaks have you been on? Why is he making it sound dirty? Mummy, नहीं पता तो stop है. नहीं उसके पीछे. भाई इसकी खोपड़ी जो है लगाव से पहाड़ जैसी, इसलिए offend हो रहा है. ये कैसे नहीं पसंद हो सकती भाई? Avalanche तो नहीं आया था कभी? Landslide, बाढ़, सब कुछ. आज डिवोर्स करा के रहेगा सर. और रघु भाई कभी रंडियो के बाद गए हो आप? एनी प्रोस्टिट्यूट्स इन योर लाइफ? डिवोर्स करा नहीं है तो सिर्फ एक और चीज रहती है, हर किसी के साथ मत हो. जजेस भी उसमें फंसेंगे, कंटेस्टेंट भी. एक बार जोर तालियों पर मनाएं. मदर आएगा वहां. टाइम टू स्कोर मलाई मुद्रा. तो मैंने आपको दिए हैं. इसने क्या किया था? फर्जी मुशायरा. फर्जी मुशायरा किया था, सॉरी. दिस आउट ऑफ 10, राइट? या आउट ऑफ 10. तो मैंने दिए हैं इनको 7.
रघु भाई रियली टू ठीक है ठीक है मतलब अच्छा भी नहीं करेगी साथ में मेरे भाई आई वांट टू टेल यू समथिंग अबे हम लोग 0-0 पे जीते हैं आई रियली एडमायर योर करेज हम लोग जो भी बोले नो मैं नहीं करता अगर मैं तेरे जैसे टैलेंटलेस होता मैं नहीं आता तो आपका इंडियन आइडल वाला क्लिप याद है हमको देखिए इसका इंडियन आइडल वाला इसमें ऑडिशन दिया है ना ये मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ कि इसके बाद तुम एक बहुत ऊंचाइयों पे चढ़ो बिना ओपिनियन के कि क्योंकि मैं भी रिजेक्शन से शुरू हुआ था अन्नू मलिक से रिजेक्ट हुए थे तो अन्नू मलिक कोई कुछ नहीं अन्नू मलिक बहुत सही इन्हें दिया टू तन्मय भाई फाइव फ्रॉम तन्मय बट आई गिवन सिक्स सिक्स फ्रॉम गुलजार सेवन Seven from Balraj Ghai. That makes your average 5.5. Lost. आपने दिया तो जीत ज्यादा यार तो कोई बात नहीं यार आपने बहुत लोगों का मूड खराब किया है एक बार जोरदार तालियां फॉर हिम And don't worry मेरे भाई पर हाँ वो एवरेज तो कुछ ज्यादा ही खराब नंबर गया ना मैं तो 7.5 क्या बोल सकता हूं उसमें आप अपने आंसू डाल के बॉईल करके खाएं भाई माने नो जोक्स आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर कमिंग हियर थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम ऑलराइट अप नेक्स्ट वी हैव प्रतीक विनोद सांगले मेक सम नॉइज फॉर प्रतीक सपोर्ट हिम यार बलराज को इसके लिए पूरा इज्जत मिल जाता है अरे भाई ये कौन से फ्रेम में So guys, today we will speak language of drums. So let's do with me. Boompa 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 boompa. Let's do it. Boompa 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 boompa. थोड़ा और वो वाला करो ना वो वाला मैंने जोर से जो किया था वो खेल गया यहाँ पे कौन से जंगल से आए हैं आप नासिक वाले जंगल से अच्छा आप नासिक से आए हो यहाँ पे ये शो के लिए तो प्रतीक भाई ये क्या बोलते हैं स्टाइल को जो आपने किया इसे जेम्बे बोलते और जो मैंने मुंह पे वगैरह बजाया उसका तो अभी सोचा नहीं आप प्रोफेशनली बजाते हो जेम्बे नहीं आज पहली बार स्टेज पे बजाया क्यों व्हाई द फक तुमको ये इज दिस तुम लोग सेटअप कर रहे हो क्या ये जोक है नहीं ये लेट एंड है भाई ये लेट एंड है भाई तू पहली बार बोला मैं स्टेज में क्या आज तक मैंने कहा क्या नहीं किया मैं वही करता हूँ तो आपको ये था कि कुछ भी करके मेरे को स्टेज पे आना है ये नहीं सोचा कि क्या करना है ये आपका टैलेंट था ये है टैलेंट आपने बोला आपने बजाया नहीं आज तक कभी जिम्बे घर पे बजा तो पर स्टेज पे कभी बजाया नहीं अच्छा भाई ज्यादा मत उसकी लो उसके आगे सर पे तबला बजा देगा अभी वो मैं तो बोलता हूँ एक फ्री स्टाइल हो जाए
हंस भी ऐसा कि दे दिया। मराठी में कोई भी वर्ड दो आप उससे रैप बना सकते हैं ना, पर वो गंदे वाली है मतलब। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक ये कौन सा अच्छा वाला था मैं पूछ रहा हूँ। Give me a word in Marathi. हाँ हो जाए। आई अरे नहीं पागल डर्टी वर्ड। रुक जा रुक जा। सीधे बाहर फक्त। हाँ फक्त फक्त फक्त। अच्छा एक और वर्ड चाहिए हमने बात कर लिया था कर लिया। कम ऑन ठीक है अच्छा था। टाइम तो लगेगा ना सोचने के लिए। सोचो सोचो इजर वर्ड दो। हाँ दो। आंगोल। तन्मय ने दिला मला फक्त शब्द फक्त। तन्मय ने दिला मला शब्द फक्त। आता मी काढेन तर सगळं रक्त। कारण मी आहे महादेवाचा भक्त। कारण मी आहे या नाशिक मधला एकदम मुलगा सक्त। आपकी दुआ हमारी हवा। आपकी हवा। अच्छा तो प्रतीक भाई आप क्या करते हैं फुल टाइम? मैं भी ऐसे एग्रीकल्चर सिखाऊ तो फिर खेती वगैरह घर के काम वो सब करता हूँ। ओह वाओ भाई आप कैसे दूं चार नंबर आपको मैं। तो यहाँ लिखा है कि आप को इंग्लिश नहीं आती। हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है भाई? नहीं पर वो जब बाहर जाता हूँ तो फिर ऐसे इंग्लिश विंग्लिश बोलने वाले कुछ समझ में नहीं आता है मतलब। और ऊपर से वो जो अभी मुंबई में आया था मैं पहली बार, वो गेट ऑफ इंडिया वो सभी जगह गया और नई मुंबई भी गया था, सब उधर नहीं गए ऐसे लड़के बैग बिग लेके वो विश्व विश्व लेके मतलब घूम रहे और ऊपर से लड़के वीड़के ऐसे कुछ भी चल रहे और क्या बोलते हैं बहुत कुछ मतलब बाल भी। अभी सोसाइटी को रियलिटी चेक देने लगा यहाँ बाहर से अगर कोई आता है तो कैसा देखे मुंबई। तो ऐसा ही रहता है तब से मेरी फटती मतलब पास जाने के लिए क्या कर देंगे कुछ पता ही नहीं। पर वो तो उनका चॉइस है ना, वो कुछ भी पहने कुछ नहीं चॉइस उनका है पर फटती तो मेरी भी है। वाइस को यही करना था ना कि बहुत सही बात तो सही है भाई, बात तो सही है प्रदीप भाई। यहाँ लिखा है कि आपको पानी से बहुत डर लगता है। हाँ जब नहाने गए पानी पड़ा फिर भी श्वास खा लियो और मतलब गुदमर ले जैसे होता है। कितना टाइम हो गया ना मतलब बॉडी पर ऐसा हो जाता अच्छा है। ऐसा हाँ सांस फूल तो आप नहाते ही नहीं हो फिर तो? नहीं नहाता हूँ। तो किससे रेत से नहाते हो आप? पर क्या बोलते डेरिंग करके नहाता हूँ पर बढ़ती तो है पानी से। तो आप गर्म पानी से क्यों नहीं नहा लेते फिर? ठंडे पानी से होता ना आपको सांस चढ़ती है जो? नहीं कौन से भी पानी से नदी का कुछ भी पानी देखा तो पूरी फट जाती दिन भर हो जाता। बाहर बारिश होती है तब क्या हालत? क्या बारिश में बाहर निकलता ही नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आज की नहीं हुई बारिश। नसीब नसीब देखो रोज इतनी बारिश हो रही है। तो अगर आज बारिश होती आप नहीं आते? मैं आता पर पूरा ढक बिक के पूरा पैक होके आ जाता। पैक होके आ जाता। पैक होके। आग से डर लगता है आपको क्या? आग से आग, आग से नहीं लगता। आग से कुछ भी करता हूँ मैं खेलता बिलता हूँ। आग में कूदने को तैयार हो? कूदूंगा तो नहीं पर खेल सकता हूँ ऐसा कुछ भी कर कर पैर डाल के। मुझे लगता है ये नीट पी के आया। अच्छा ये लोग थोड़ा क्या कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मेन देखो बकचोदी का शो है ठीक है तो बकचोदी निकलवाते भी है भाई सामने वाले करते भी है और सामने वाला भी ना करके आता है कि शो में मैं प्रेजेंट कुछ भी करूं उसके बाद मुझे कितना स्क्रीन टाइम मिलता है उसका ही पूरा खेल। अब देख कितनी देर से बात हो रही है उसके बारे में है ना। अब उसने इन पर्सन अभी जितना यहाँ पे इस तरीके से एंगेज कर लिया सब लोगों को ऑडियंस को
वहीं पे इसके मार्क्स बनेंगे। हाँ, और जिस मतलब जिस हिसाब से मतलब जो इसने मुंबई की मुंबई का अपने फर्स्ट रिव्यू देना स्टार्ट किया है हाँ, तो भी एकदम लोकल है, लोकल के हिसाब से कि आया है नासिक से लोकल कोई हाँ, तो थोड़ा एक ना वो भी अपना टोन सेट करके आया हाँ, पर मेरे को लग रहा है कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो ऐसा है जैसे हाँ, बात कर हाँ, रहा है हाँ, इससे थोड़ा अलग होगा अलग ही हाँ, भाई वो थोड़ा चिल वो थोड़ा ऐसा ना पानी से डर लगता है। बलराज क्या सवाल पूछ रहे हैं? आग में कूदने को मजा आता है आपको? क्या सवाल भाई निकाल दिया वो राजा राम मोहन रॉय ने निकाल दिया था। लेकिन वो तो लड़कियों के लिए आग से लेकिन डेंजरस नहीं है आग तो कभी लगवा गई फिर जल गए। आग लगा के देखो मैं डेंजर भी बन सकता हूँ। आग लगा के दिखाओगे आप? नहीं नहीं ऐसा लगा है तो अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं मेरे। तो अगर कभी आप आग से खेल रहे हो हाँ। और आपको आग लग जाए हाँ। और मेरे हाथ में बाल्टी हो पानी का तो क्या आप मुझे डालने देंगे खुद पे कि तब नहीं? तो मेरी मजबूरी लेगी मतलब आग पे डालना ही पड़ेगा पर थोड़ी सी फट उस टाइम पे भी मेरी फटी जाएगी ना क्या। आई हैव अ क्वेश्चन दो आपको पैर तक पानी का प्रॉब्लम नहीं है? कुछ नहीं मतलब ऐसा ऊपर से ऐसा आता है ना तो फिर फट जाता है मतलब फटते डर लगता है। तो आप गांड कैसे धोते हैं? गांड तो नीचे पर वो तो और लोग मेरे शो को गाली देते हैं शोध तुम लोग गांड साफ कैसे करते हो उस पे पैनल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर बहन चौथ रोडीज खराब है माँ की चौथ तुम्हारी बहन चौथ रोडीज तो खराब है माँ चप्पल नहीं ली तो घूम जाती है खराब ही आपको क्या आप बस परफॉर्म करें चप्पल आते रहेगी आपके पास बहुत सही है एक बार जोरदार तारीफ और प्रतीक यार। तो इट्स टाइम टू स्कोर यू मेरे भाई एंड आई रियली लाइक्ड यू एंड एवरीथिंग यू डिड भाई तो मैं आपको दे रहा हूं 8। हां ठीक ये इसका बाद से बड़ा है बाद में बकवास किया है मलय मैंने आपके साथ ज्यादती की मुझे आपको और देने चाहिए थे मैंने अब अपने स्टैंडर्ड बहुत डाउन कर दिया मुझे समझ में आ गया ये शाम कैसे जाने वाली है। प्रतीक आपको मैं दे रहा हूँ 6 ठीक है 6 कीप इट एंजॉय आप मैं भी 8 दूंगा 8 प्रतीक मस्त आदमी पॉइंट्स भी सेम दे रहे हैं नहीं ना और थोड़ा कतराया भी आग बोल रहे हैं तो उसकी तरफ देखा ना समय लगा कि फिर कंफर्म काफी और प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा जाकिर हुसैन बैठा ना हमारे साथ भाई मैंने 6 दिए और प्लस 2 फॉर हिज पर्सनालिटी भाई बहुत लेट्स गो बढ़िया आदमी है तो टोटल 8 प्रतीक मजा आ गया तुमसे बात करके दैट बहुत मेक्स योर एवरेज 7 8.5 चलो फिर भी थोड़ा उससे तो ज्यादा ही सेल्फी रहा था जोरदार तालियां प्रतीक मुझे इसका अच्छा लगा रघु भाई जेन्युइनली आपको ये मुझे तो उसका बाद वाला जो जोक वाला वो अपना आई एम एंजॉयिंग इट आई रियली जिस तरीके से मैं सोच के आया था वैसा नहीं है मैंने शो देखा नहीं है मुझसे बट आई वांट टू टेल यू इट्स मोर एंटरटेनिंग देन दैट जहां मैं एंटरटेनमेंट में गया और टैलेंट से ये आपने लेटेंट नाम बड़ा सही रखा है मैं गलती से मेरी जो गलत फहमी थी शो के बारे में और टैलेंट के बारे में वो साफ हो गया एंड आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ दिस इज एन अमेजिंग शो थैंक यू सो मच माय भाई लव यू सो मच alright, so abhi sab enjoy kar rahe hain. Now let's change that. Make some noise for Bunty Banerjee. Hi everyone, my name is Bunty. वैसे I'm a Bengali but born and brought up in Bihar. नहीं पापा वॉचमैन नहीं है बिहार वाले इधर तरह वाले तड़ी पार होके ये तड़ी पार होके बिहार चली गई बट द प्रॉब्लम इज बीइंग अ बंगाली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार कंफर्म करो गई है कि लाइक सिचुएशन द बंगाली इन मी स्लीप्स बिहार में लड़के उठाए जाते हैं शादी के लिए लड़कियां नो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई द बंगाली स्लीप्स उल्टा ही है हम लोग बिकॉज दैट्स व्हाट दे डू लोग है लौंडे किडनैप एनी बंगालीज इन द हाउस सो रहे हैं
नहीं ऐसा नहीं, थक गए होंगे ना कैंडल मैच करते करते. बट सोने से याद आया, आई एम अ मदर, आई हैव अ 2-year-old एंड दैट्स एग्जैक्टली द टाइम फॉर विच आई हैव नॉट स्लेप्ट. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, लोग बच्चा होने पे कंग्रेचुलेशंस क्यों बोलते हैं? उन्हें ऑल द बेस्ट बोलना चाहिए. ऑल द बेस्ट, आपकी फटने वाली है लिटरली. ये वाला जो सही था. वैसे दीपिका पादुकोण आल्सो बिकेम अ मदर रिसेंटली, राइट? ग्रेट, नाउ शी नोज व्हाट डिप्रेशन रियली लुक्स लाइक. स्टार्टिंग भी सही थी वो वाला. वो वाला मुझे थोड़ा ऐसे लगा था फीका, कैंडल मार्च से इसने शुरू किया फिर बिल्ड अप किया. खराटे मार रहा है. That is when the Bihari in me wakes up. ए जी उठिएगा. नहीं उठ जाइए, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे. ये भी बिहार जाके सीख गई है लौंडे को उठाने कैसे. क्या बात है भाई, आपने सब लौंडे को उठाना सीख रहे हैं. फीका suddenly got so spicy just like the walk talk everybody. That's what a walk talk. भाई ये नूडल्स बेस्ट है यार. अरे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी. एक बार जोरदार तालियां बंटी जी के लिए यार. बहुत ही सही यार बंटी जी. कब से कर रहे हैं आप ये? तो मैंने एक्चुअली बहुत लंबा ब्रेक लिया आफ्टर प्रेगनेंसी, बच्चा एंड ऑल. बट वेरी ऑनेस्टली समय आपका शो देखा था 6 सितंबर एंड देन आई थॉट दैट आई शुड रीस्टार्ट. तो तब मैंने लिखा है. वाओ अच्छा जी, बढ़िया जी. सो यू जस्ट रिसेंटली यू गॉट द मोटिवेशन, इतना जल्दी लिख लिया आपने. तन्मय भाई आप भी लिख लो यार, अब ये इंस्पिरेशन लेके यार. तन्मय भाई का स्टैंड अप स्पेशल बनता है कि नहीं अभी यार? बनता है. पापा रेलेवेंट क्यों नहीं हो? तन्मय भाई बहुत टाइम से स्टैंड अप स्पेशल नहीं निकाल रहे. इजी लाइक यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग बंगाली आई हैव हर्ड ऑफ. इतना सारा काम हो गया भाई, मतलब तन्मय को बीच में फ्लिक्स ने भी तो रेलेवेंट रख रखा था. घर पे छोड़ के आए. वो नहीं होता फिर तो चला ही जाते. नहीं नहीं हस्बैंड आए इधर ही. अपनी बीवी छोड़ के भाई अभी लेगा भाई. इनकी बीवी ना प्रेगनेंसी के पीक पे थी, ये मेरे घर पे प्ले स्टेशन खेल रहे थे. वैसे चांदनी इज ऑल्सो हियर. चांदनी आई लव यू बेबी, थैंक यू सो मच फॉर मदरिंग 2 kids गोइंग थ्रू 3 kids व्हाइल योर हस्बैंड इज शिफ्टिंग माइक्स फॉर जेम्बे प्लेयर्स. द थिंग्स मदर्स हैव टू डू मैन. Wow. Bunty, I really loved your act. I loved it. Thank you. And congratulations. She's amazing. Bachcha kahan hai? Ghar pe. Ghar pe kiske saath? Mummy papa ke saath. Okay. Bahut hi sahi yaar. Matlab mere pe ye bahut bada ek criticism hai ki aap ladkon ke pe chadh jate ho aur ladkiyon ke saath aap itni sweetly baat karte ho, but look at the difference. Meri kya galti hai yaar? Actually, I want to ask ki see you aapne samay ka show dekha and you got inspired to do stand up again. What did you watch to get inspired to become father? I can give that answer. He's also a comic. Oh. And
जब से हम लोग मुंबई आए थे तो मेरा सपना था कि मैं स्टैंड अप करूं. जब से मुंबई आई हूं तब से प्रेग्नेंट थी. ब्रदर ये आदमी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंटेंट लिखते जाओ, मैं परफॉर्म करके आऊं. सो यू गॉट अ मदर एंड अ स्क्रिप्ट राइटर एट द सेम टाइम. वेरी नाइस. तो इनके जोक्स आपने कोई परफॉर्म किए हैं अभी तक? नहीं. इसलिए इतना किल किया आपने आज भाई. इनका अगर एक जोक हम सुन ले भाई, इफ यू डोंट माइंड, लेट्स गो भाई. देखते हैं आपका कुछ इन्फ्लुएंस इन पे हुआ है कि नहीं. नहीं, मैंने भी एक्चुअली लिखा था, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, इतना प्रिपेयर नहीं किया, बट बिग फैन ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस. प्लीज मेरी मत मारना सर, ये थोड़ा एंटी फेमिनिस्ट टाइप कंटेंट है. लड़की पीछे तो कर ही दी ऑलरेडी आपने. सर पहले आपका नाम प्लीज बता दीजिए. आदित्य. आदित्य. सो शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरी बीवी फेमिनिस्ट है और मैं नहीं हूँ. बोलने लगी सरनेम चेंज नहीं करूँगी, तुम्हें भी मटर छिलने होंगे. देखो बचपन से ना मैं घर का काम नहीं किया हूँ. माई पेरेंट्स रेज्ड मी लाइक देयर ओनली चाइल्ड. मटर छिलने के लिए दे हैड अ डॉटर. सही भाई. एक तो आप सुनो, पढ़ रहा है बहन को, अपनी बहन से अब जब भी बात होगी तो मैं इसी टाइप पे एक जोक मार के आऊंगा उसके ऊपर. यही बोलोगे अगर वो काम आपके लिए ऐसे बोलती है ना, ये करो वो कर लिया करो, ये कर लिया करो. देख लो गाइस इन्फ्लुएंस तो कितना खराब शो है. क्या इन्फ्लुएंस मिल रहा है, अब जाके फैमिली में उल्टा बात करना शुरू करेगा. मुझे लगा शादी तोड़ दे क्या, फिर लगा नहीं यार बहुत खर्चा हुआ था मेरे ससुर का. This is the best part. Behind every feminist daughter, there's an Indian father who's ready to pay the price. तो मुझे भी अपना पॉइंट रखना था, तो मैंने उन्हें कर दिया प्रेग्नेंट. अभी देखो प्रेगनेंसी और फेमिनिज्म साथ ना साथ साथ नहीं जा सकता है. यही बायोलॉजी हम मर्दों का साथ दे देता है. अभी उसका सब खत्म, उसके दो ही ऑडियंस है, वो और उसकी तन्हाई. अभी जब बच्ची हुई तब मुझे लगा हाँ, मतलब लड़कियों के लिए भी थोड़ा बहुत सारा अनड्यू एडवांटेज है. जैसे उसको मैटरनिटी लीव 6 महीने का मिला, मुझे पैटर्निटी लीव सिर्फ 2 हफ्ते का मिला. अभी 2 हफ्ते में यार यूरोप अच्छे से घूम ही नहीं पाया मैं. ऊपर ऊपर से ही देख पाया पर ये डिप्रेशन का हर स्टेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाई. ये मुझे थोड़ा डॉक्टर अपने डॉक्टर की तरीके साउंड कर रहा है. अगर गोदी में नहीं, अरे बिहारी जैसा तो नहीं लग रहा है, इसलिए बेचारी को दिन भर रोना. बाहर पढ़ाई किया हो ना, डॉक्टर जैसे साउंड कर, डॉक्टर जैसे ठीक हिंदी बोलता है. Bro, you guys killed it, man. Wow, आप बैठ सकते हैं, it's about her now. तो बंटी जी, how does this dynamic work? You are a feminist, he is a man. देखिए, how does मैं कभी उसके मम्मी पे भी जोक मार देती हूँ. तो उसे तब सहन करना पड़ता है. तो आपके झगड़े ज़्यादा नहीं होते मतलब? नहीं, आप ठीक है. तो आप में से बेटर कॉमेडियन कौन है आपको लगता है? मैंने सिखाया उसको.
Imagine knocking up your own teacher, dude. That's like some level of confidence. Like. When you all are in a heated argument, do you all like to cocking up his own child? Cracking a joke. Yeah, I did that initially, but he used to say, "Is pe hasna tha kya? Mujhe to hansi nahi aayi." So then I stopped doing those jokes. आपको दिखा क्या इसमें भाई? ये सब गंदी चीजें कर रहे हैं आपके साथ भाई. एक बार आ जाओ ना वापस स्टेज पे यार. कम ऑन प्लीज प्लीज प्लीज. जरा इनके साथ वो करते हैं अभी ना काउंसलिंग कि भाई इशू क्या है भाई इधर. तो आपका नाम क्या है मेरे भाई? आदित्य. कहाँ से हो आप? बैंगलोर. अच्छा बैंगलोर से हो आप? बैंगलोर से. वहीं पे वो लड़की है बिहार, बंगाली बिहार. यू शुड डू सम सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड आई वाज फॉर्मिंग अ क्लब टू डू कॉमेडी. तो आई हायर्ड हिम फिर ट्रेन किया. Wait. Yes, yes. Bro, imagine knocking up your own employer, dude. That's kind of fucking crazy. Right? ये इतना बोल रहा है, बार बार उसी को देख. और भी कोई इसका मतलब नहीं है. तब मैं कोई पीछे नहीं ओपिनियन ले, सिर्फ समय से ही बात कर रहा है. नॉकिंग अप बोल के मेन है उसका, उस पे दे रहा है नॉक पे. हम लोग भी किए थे, याद कर. वैसे करके कर रहा है भाई. जब समय अटेंशन नहीं दे रहा है ना, टेंशन सी कर रहे हो, उसे अटेंशन चाहिए. I love mountains. You love it, right? I am okay. A mountain person. One extra point for you. तो यार क्या गोल इन लाइफ? तो सांद बैठा लोगी आज. Because pregnancy has given you a lot of trauma. क्या हो गया? मतलब शकल बच्चे की उनपे गई है? No, the entire I don't know people. Postpartum is very depressing. मतलब जिसका जिसका भी ब्रेकअप वाला डिप्रेशन होता है, दे शुड गो थ्रू द प्रेगनेंसी वाला डिप्रेशन. भूल जाएंगे. बट हाउ वी कैन गो थ्रू प्रेगनेंसी ना यार. लेट आपकी बीवी तो होगी सर. तो उसको डिप्रेशन में डाल दूं मैं? मुझे फील करना है डिप्रेशन, तो मैं क्या करूं? वो उसको देख देख के आपको भी होगा. अच्छा तो इसलिए तो यूरोप चले गए थे वो फिर. यार लगा वन स्ट्रेंथ योर हस्बैंड्स बैंक बैलेंस. He is rich. क्या दिखा? बंगाली है ना, टोना टोटका करके डरली. ये लोग तो करती है सारी लड़कियां वहां. लेकिन समय के हिसाब से तो इसको टोना टोटका की जरूरत नहीं पड़ी. समय के हिसाब से लड़का. तुम बताओ. नहीं नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा. तुम्हारे पास तो टॉप ऑफ द माइंड हो. ओहो हो, स्मूथ, वेरी स्मूथ. उन्हें याद करना पड़ेगा. बहुत कंजूस है, बहुत पैसे इसके पास, पर हर एक रुपए के लिए बहुत हिसाब लेता है. स्प्लिट वाइज रखते हो आप दोनों? हाँ, घर में एक फर्नीचर आता है, तुरंत 50% डाल देता है स्प्लिट वाइज में. तो फिर मुझे भरना पड़ता है. सो तो आप ही को बनना था ना फेमिनिस्ट? पर आप नहीं कर रहा ना. या सही दिया. बुक तो अभी बंगाली लड़की अपने चाचू की रियल लाइफ. मतलब लगा था कि शायद घोस्टी है. But who was it? I don't know. मतलब मैं और मेरा भाई ऐसे कंप्यूटर में गेम खेल रहे थे. Suddenly we saw परछाई. But the problem is आजकल मेरी बेटी को भी दिख रहे हैं. तो रात को बोलती है, मम्मी वो आंटी इधर आओ ना. Like that she says. So I am just hoping it's not the same auntie. Do you believe in ghosts, guys? I mean, my career came back from the dead. So. So how come you are not scared? It's a pretty scary thing, yeah, that you're seeing ghosts. Your daughter, 2 years, is seeing ghosts. I mean, I don't know. She just speaks. It's an imaginary friend. So. भाई आप जब आप घर से निकलते हैं बाहर कभी? हाँ. तो तब कोई और तो नहीं आता है? वही बुरी है बच्ची को. आपको इन पे शक तो नहीं होता कभी? नहीं नहीं. नहीं ना? क्या इनोसेंट हैं आप? हमें पूरा लगा हुआ है बहुत देर से कि डिवोर्स. आंटी आंटी, अरे भूत दिख रहा है इसको. बेबी भूत है, बेबी भूत भूत. योर डॉटर कैन स्पीक अभी? हाँ, वेरी, शी इज वेरी क्यूट, स्पीक्स रियली क्यूट थिंग्स. क्या बोलती है? व्हाट वाज हर फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड आई थिंक शी सेड पापा. एंड सेकंड वर्ड? आंटी के साथ हैं. Bro,
bro, I would love to speak for some more time with her, but we are running out of time, man. Yeah, but pura laga go to some. Bhai, kisko bulana hota hai jab aise bhoot dikhta hai to? Paran. Ranbir Alabadia. Tu sahi bhi yaar. I hope she wins. So I have given you a 9. Okay. Yeah. I've given 9.5. 8.5. So that makes on, your average 9. All right. 9. Let's go. तो मतलब इसका प्राइस मतलब अगर एक से ज्यादा जीत तो स्प्लिट हो जाए अमाउंट नहीं रहे 4 विनर तो किसी में डिवाइड होकर 4 ठीक है आपके साथ सेल्फी लेने के लिए आए थे कि बाकी सब इज लाइक बोनस क्या बात है इट्स लाइक यू केम फॉर वन थिंग बट यू गॉट 6 थिंग्स जस्ट लाइक द वॉक टॉक वेयर देयर आर 6 फ्लेवर 5 सॉरी मैन जोक छूट गया कोई नहीं यार वॉक टॉक डाल दे भाई अभी तो ये आपको अब एक चॉइस दे रहा हूं मैं आपको ठीक है आइदर यू गेट 1 लाख रुपीस फुल्ली और यू गेट 1 ईयर वर्थ ऑफ नूडल्स नया तरीका है प्रमोट करने का सो ऑनेस्ट आई विल गिव यू द होल कैश प्राइस प्लस 1 मंथ फ्री ऑफ नहीं अलग ये चीज भी ठीक है वो कौन से रिपीट भी कर रहा है तो तो आपके लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच एक बार जोरदार तालियां के लिए अगेन एंड बाय बाय टेक केयर और हाथ नहीं मिलाया उससे देखा राहुल सिंह मैक्स नॉट वो आखिरी में उससे हाथ मिलाने के लिए किया बट एक देख चले गए हेलो बच्चों क्या हाल चाल फिजिक्स वाला आ गया क्यों नहीं हो रही पढ़ाई अरे माता चुप भाई बन के भाई बन के आए लोग बच्चों इसको पता है क्यों मसाला पढ़ाई होगी कैसे यार तुम क्लासरूम से या तो क्लब में रहते हो किस किस को क्लबिंग जाना पसंद है यहाँ पे जोर से आवाज करो जनरली सिर्फ लड़कियां ही आवाज करती हैं क्योंकि उनको एंट्री मिलती है ना हमें तो नहीं मिलती यार कभी पर मुझे भी क्लबिंग जाना बहुत पसंद है बट प्रॉब्लम यह है ना कि मेरी हाइट छोटी है लाइक मैं लड़की को दारू पिलाऊं हंसाऊं नचाऊं एक लंबा लड़का क्लब में आ जाए यार बंदी ले जाता है यार वो आपने देखा मैं उस लड़की के लिए देयर इज नो रिकवरिंग फ्रॉम दिस आपको पता है मैं उस लंड के लिए क्या क्या करता ऐसे बोला उसने लंबा लड़का देख के ये फिसल गया क्यों नहीं हो रही है चुदाई तुरंत वो हाथ छू लिया गया मैं करूंगा ना फिसल हाथ पकड़ लिया तुरंत सुना उसने आप करते रहिए भाई मैं उस लड़की के लिए पिछले 3 घंटे से गांड हिला रहा था वो उसके साथ चली गई ये कोई सीएसआर एक्टिविटी चल रहा था क्या आपको पता है बट फिर भी ये लंबे लड़के तो फिर भी ठीक है यार आपने कभी देखा है बॉलीवुड म्यूजिक देखा इन जनरल बॉलीवुड म्यूजिक कितना हाई एनर्जी होता है उसमें कितने हाई एनर्जी गाने होते हैं जैसे एक गाना होता है टन टन आटन टन टन तारा चलती है क्या 9 से 12 कितना चीज़ी गाना है यार ये और इसमें क्या इजी स्टेप है चलती है क्या 9 से 12 चलती है और डीजे इस लाइन को 6 बार बजाता है और मैं उसी पे लगा पड़ा हूँ चलती है क्या छठवीं बार गला अटक जाता है यार मेरा पूरी रात मुझे ऐसे नाचना पड़ता है ऐसे 2 बाउंसर मुझे उठा के ले जाते हैं ये सोच के मिर्गी आ गई इसको क्यों नहीं हो रही है कॉमेडी सही बात है एकदम अग्री पूरा अग्री करता हूँ ओपन माइक नजदीक आ रहा है लाइफ में कुछ करना है
Yeah. Then I just want to say that he walked into extremely difficult. This is a very cold room for this right now. एक तो बिचारे से फंबल हो गया, फिर हमने दो तीन बड़े लाफ उठा लिए, फिर पूरी ही लगी गई थी, फिर ये बीच में हॉ वगैरह बोल रहा है. तो आई अंडर इट वॉज अ टफ सेट, बट यार एक बार ताली बजा लो यार, मतलब मुश्किल था ये. यानी कि यू आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज? या या. ओह दैट्स सैड. आई डोंट नो दैट दैट इज वर्किंग आउट स्टिल. हाउ आर दे? तीन लोग मिलके करेंगे तो चलता ही है फिर तो. नहीं भाई, अभी तक दो ही चल रहा है. सही बात है. यहाँ लिखा है यू अप्लाई परफ्यूम एवरी डे बिकॉज यू आर रिजेक्टेड बाय अ ब्राजीलियन गर्ल. अरे हम सो के उठ के चले गए थे यार, यही इंडियंस का नाम खराब कर रहे हैं दुनिया भर में भाई. But, बगले सुना रहे लड़कियों को भाई. भाई मैं नहीं सुना रहा था. वो कह रही है चोक मी डैडी कर रहा है. Yo, what's up? कितनी बदबू आती है आपसे यार. भाई वो लड़की की हाइट ज्यादा थी, मैंने हाथ उठाया उसको सूंघ ले. भाई भाई But that explains the long distance marriage. बहुत देर में बोला भाई. हां तो बट मैंने उसमें लिखा कि नाउ आई अप्लाई इट एवरी डे. जब ये मरेगा ना, इसकी मैयत में रुई सबकी नाक में होगी. ना ले भाई थोड़ा यार. अरे तब से मैं नहा रहा हूँ, तब से नहा रहा हूँ ना. ये पहली बार होगा आग लगने से पहले ज्यादा बदबू आ रही थी. ये एवेंजर्स में होता ना तो थैनोस कभी चुटकी नहीं मार पाता. वो ऐसे नहा लिया करो भाई. भाई नहा कोई नहीं भाई. इस इज अ गुड गाय. ओके यू हैड अ बैड डे, दैट्स ऑल राइट, दैट हैपेंस. या लिखा है कि थ्री थिंग्स यू कांट लिव विदाउट. Irritating my wife. That's the top yeah. thing you've written. Yeah, I love. मैं अपने सारे jokes उस पे try करता हूँ. तो आपको ये distance कम करने का नहीं मनेगा भी? नहीं, in person करता तो वो distance में चले जाते. अच्छा, but नहीं यार, like what's the goal like? To be honest, I feel yeah. that you deserve a nice loving family everything. No, so, I will get that. मतलब उसका course खत्म हो जाएगा, then we'll live together. You mean all of this is possible if you just shower? Like why? Imagine the gains of. आपके jokes भी ठीक हो जाएंगे. So your wife knows you're here? No, I have not said her that. तो आप दोनों बातें छुपाते हैं एक दूसरे से? नहीं नहीं मैं वो तो छुपा ही नहीं. Is she like your love of your life? Yeah yeah, we had a 5-year relationship and then we got married. 5-year relationship? Yeah. 5 year. अच्छा, 5 year भाई. 5 year नहीं भाई. मुझे 5 year ही सुनाई दिया. He's not like our marriage was late. Yeah. तो भाई कोई ship का experience बताओ ना भाई. आपके ship में कभी कुछ हुआ है ऐसा crazy? कभी कोई साबुन गिरा हो और आप तो उठाते भी नहीं है. नहीं भाई. तो साबुन और इसका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है क्या? बीच में तो शिप पे क्या होता है आपके साथ भाई? कुछ नहीं होता, मैं चलाता हूँ. मतलब आई एम एन ऑफिसर देयर, सो आई डू द रन. यू राइड लाइक शिप चलाते हैं पूरा? मतलब literally yes, but by a switch, like how. कभी वाइफ के साथ वो किया है? वो की वो टाइटैनिक वाला वो किया है कि आई एम किंग ऑफ वर्ल्ड वगैरह वो सब किया है? उसके लिए आर्म्स ऊपर करना पड़ता है. सही है. आज वो जाके ना आए परसों में स्मेल आती है वो. ये अंगड़ाई ले रहा होता है. तो क्या रहता है मर्चेंट नेवी में? मतलब व्हाट इज योर जॉब? आई एम अ नेविगेटिंग ऑफिसर. उसमें क्या जाता है उस शिप में? एक कार्गो जाता है, कार्गो शिप्स लाइक योर फोन्स और द राइस वीट. ऐसा होता है ना कि अगर वो कंटेनर पानी में गिर जाए yep. तो देयर इज नो वे टू रिकवर इट, ऐसा कुछ रहता है ना? अगर ज्यादा गहरा है तो कोई जाएगा नहीं लेने. अच्छा, नहीं वो तैरता है ना वो तो ऊपर हवा पानी में? नहीं भाई, डूब जाता है वो भाई. बॉयंसी नहीं आती उसमें, डूब जाता नहीं डूबता है भाई.
He's a sailor here also, bhai. Bhai doob jata bhai. Bhai sailor, bhai sailor, bhai sailor. Sailor, 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 sailor. Aaya bhai. Agar do sailor, agar do sailor ya technical baatein karne wale, to main khud ka gala ghot ke mar jaunga yahan par. Aaya bhai. Do balti paani ka dekh kaun aata jaldi. इस समय लोग बात वहाँ है यहाँ प्रूव करना है सही है या गलत क्या नाम है भाई साहब आपका साकेत साकेत भाई तो आप कह रहे हैं कि जब कार्गो गिरता है पानी में वो तैरता है कंटेनर तैरता हाँ कंटेनर आप कहते हैं डूब जाता है कंटेनर तो अब आप में से एक झूठ बोल रहा है अब एक आप कंटेनर पे हो सब क्या कंटेनर बल्क सब डूब जाएगा भाई कंटेनर क्यों डूबता है भाई क्योंकि उसमें पानी भर जाता है वजन आ जाता है गिर जाता है वो वेदर प्रूफ रहता है पानी जा ही नहीं सकता अंदर ऊपर से बॉयंसी की वजह से ओके ओके बट इन दिस केस ही इज अज्यूमिंग दैट द कंटेनर इज नॉट डैमेज्ड आई एम अज्यूमिंग दैट द कंटेनर इज वेदरिंग या अगर वो गिरा है तो कुछ टूटा फूटा टूट फूट के कुछ गिरा है तभी टूट रहा है भाई रुक जा यार एक सेकंड यार बहन एक सेकंड यार तेरा हस्बैंड है वो इसको बुला लो नहीं नहीं वो अनफेयर हो जाएगा उसकी वाली तो वहाँ है ना ये बात तो सही है वाइफ जी यू कांट भाई 2v1 हो जा रहा है यार ये गलत है ये हैंडीकैप मैच हो जाएगा वो बेंजी दो सेकंड तो आपका क्या नाम था मेरे भाई साकेत साकेत एंड राहुल राहुल तो राहुल भाई आप कह रहे हैं कंटेनर डूब जाएगा क्योंकि उसमें क्रैक हो जाएगा भाई पर वो कह रहे हैं वो क्रैक होगा ही नहीं उसमें उसको स्टेज पे आना है आ जाओ भाई आ जाओ बेंजी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बट कम हियर नो कम नो देयर इज नो माइक ना You're shy. You're not shy. You are shy. Clearly. You are shy. KL. फिर क्या आपको लगता है मैं बातें करनी है आपसे नहीं आना ना तो फिर चुप बैठो फिर ब्रदर मुझे लगता है आप इनसे कंटेनर के बारे में सीख लें और आप इनसे लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज के बारे में सीख लें राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम गाइस तो ठीक है यार टाइम टू स्कोर राहुल भाई क्या राहुल भाई मैंने आपको दिया है एक बॉडी वॉश एंड उसके साथ आई हैव गिवन यू अ 7.5 बिकॉज ऑफ हर फोर भाई सीरियसली ले रहे हैं ये शो सिक्स फ्रॉम तन्मय भाई सिक्स पॉइंट फाइव ऑलराइट यार 4.5 हो गया भाई 4.5 दैट मेक्स योर एवरेज 6 ब्रो कर दिया नहीं 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 8.5 bro come on man there's so much distance between your score koi baat nahi zor ata hai for Rahul Singh thank you so much all right we are down to the last act of the night all right so make some noise for mysterious Kaden Kaden wo asal to bitte Kaden tha na mera awaaz sunai de raha hai ओके मैं आपके आंखों के सामने ये रेजर शार्प ब्लेड जगल करने वाला हूँ तो जब मैं करूंगा तब आवाज कीजिए ओके ओके 1 2 3 आई लाइक दैट साउंड ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी ओके ये वाला टेक्निक को बोलते हैं चॉप्स जापान से ओके गो सो देखो हा 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 ओके आई एम किडिंग ओके मेरे टांग के नीचे कुछ भी गड़बड़ हो सकता है पर मैं करूंगा आज मेरे टांग के नीचे आर यू गाइस रेडी ये नो यस ओके
One. Are you guys ready? Yes. Okay. One. Two. Three. Thank you so much. No, that was stupid. Was stupid tha. Main actually main karunga. Okay. Oh my God. Okay. Put your hands together. No, करने के बाद करने के बाद करने दो रुको एक जोर से ओके एक दो तीन मेरा दूसरा टांग खेल रहा था ना making it interesting सही कर दिया तो साथ में जो एक्ट किया है ना वो अच्छा किया इसने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आया था मेडिकल की छोटी थी क्योंकि बाकी लोगों को प्रिपेयर्ड रहते हैं सब कि कैसा भी एक्ट करना वाला डेंजरस चीज जो आप कर रहे हैं जी लाइक क्यों कर रहे हैं मजा आता है आपके घर वालों को डर नहीं लगता इसके लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं अच्छा तो उनके बहुत बच्चे होंगे ना तीन बच्चे हैं भाई डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड नहीं आज बनेगी There's a thing here. Can I just ask this? Can I have five interesting points about you? I read minds like I read books. Okay. Let me guess. You don't read books. That's what you're going to say, right? No, I read books. I read books, yeah. You can read minds? Yeah, I can read minds. Please go ahead. Okay, Raghav bhai, can I try something with you? Maza aayega. Aa jao. Kya karna mere ko? आप होगा रघु भाई की टांगों के नीचे डू यू ट्रस्ट मी आप सो जाओ यहाँ पे सो जाओ बहुत आई एम अ प्रोफेशनल मैं एक प्रोफेशनल हूँ एवरीथिंग इज गोना बी फाइन ट्रस्ट मी बैंचो मैं नाइजीरियन प्रिंसेस से बात कर चुका हूँ विच साउंडेड मोर कन्विंसिंग दैट दिस गाय ट्रस्ट मी मैं लेट नहीं रहा ब्रो तेरे को क्या करना कर ओके सो जाओ वो आपको लेट नहीं बोल रहा है भाई लेट जाओ अब ये बॉल से जगलिंग करके दिखाएगा मैं रघु भाई के ऊपर जगलिंग करने वाला हूँ नो कर ले सुन मैं लेटने वाला हूँ मेरी बात सुन तू 18 का है ना जी 19 का होना है 19 का होना है हाँ हाँ है ना तो ठीक है याद रखियो भाई आपको 52 का नहीं होना क्या प्रोटेक्शन गो अहेड जग मेरी गांड फट रही है भाई सच में ये प्रोटेक्शन है हाँ प्रोटेक्शन ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा हाँ इसी के लिए तो राजीव पहना हुआ ना बाबा फक यू आई एम नॉट क्लोजिंग माय आईज बैंड के लोड़े बैंड मुझे लेटा के एक गुब्बारा पकड़े कह रहे क्लोज योर आईज हंसड़ी के हॉस्टल हम भी गए समझे भाई ये भैंसों मारने वाला तीर से मां कसम बोल रहा हूं अगर मेरे लग गए ना बीच में कोई नहीं आएगा मैंचो भाई ध्यान से इसको हंसाओ भोसड़ी के मैं तू डर तो नहीं रहा नर्वस मैं तो गांडू मेरी गान बन रही है यहाँ पर सुन 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 यू कैन डू इट बिलीव इन योरसेल्फ बिल्कुल नर्वस मत हो यू ठीक है मेरे भाई कहा सुना माफ अभी तक मैंने जो किया वो भूल जा जो ओके रेडी बंद कर दो
बंद कर दो भाई, आंखें बंद कर दी क्या उन्होंने? ठीक है, थ्री What was that? तन्मय समय चौधरी के समय तू मत डर, तेरे को कुछ नहीं बोलूंगा मैं, तू भाई है मेरा, तू भाई है, आ जा भोसड़ी के, who needs balls? Oh man, fuck you, मैं करना बाबा, माँ की चूत, तेरी माँ की चूत भोसड़ी के, तेरी बैंड के लड़े, no, केडन सही कर दिया उसने, आखिरी वाले अरे इसका फूट कैसे गया पटाखा, आई फील लाइक ही जस्ट पॉप माय चेरी, वाओ I love you, bro. Thank you so much. Mother Chot ko pehle kisi ne what an entertainer guys. Hai na? Yehi culture hai iske liye bhai. Kamche community ko ye badnaam karte hai. Man Chot pehli baar Raghu bhai ko aisa dekha bhai maine. Posdi to le. Dekha tu 3 talwar leke aaya tere ko dikhega bhai, apne andar ki cheeze pata chalegi tere ko. भाई जो कितना मर्द है तू भाई, मैं तो कश्मीर से पत्थर से भाग गया था भाई तलवार से तो गया तलवार से तो नहीं हो पाएगा भाई, कैसा लगा भाई आपको अभी तन्मय की तलवार? लग रहा है कि मैं क्यों लेता वहां मैं इसको नहीं जानता, मेरे को तू पैसे दे नहीं रहा, बहन तो क्यों लेता मैं उधर मैन दैट वाज रियली समथिंग भाई, उसने कहा था कि आज बंदी पटा के जाएगा मैं तो सोल्ड हूँ भाई कोई है वो तैयार ऑन अ डेट विद हिम एनीबॉडी यू इट्स वेरी डार्क वी कांट सी सम हैंड्स हैव गॉन अप देयर वाज वन हैंड देयर एनीवन लाइक वी गिव यू 3 सेकंड्स 3 2 1 रिस्पेक्ट इट्स ओके यू डोंट हैव टू कम ऑन स्टेज क्या बात है भाई व्हाट्स अ प्रोफेशनल रिजलर यही ये अभी जो हुआ है पिछले 20 मिनटों में आई मीन व्हाट इज अ रिजलर जेन्युइनली यू कन्विंसिंग चांदनी टू हैव अ सेकंड चाइल्ड इज कॉल्ड रिज दैट्स कॉल्ड जिज क्या होता है यहां लगा थिंग्स यू कैन नॉट स्टंप इज जस्ट समय रहना इज कॉमेडी इसने बुला रखा अपने फैन क्लब से बैठ जाओ आके आओ आओ पैसे लेके जाओ आधा मेरे को देना हमारा चूतिया काटा हुआ यहाँ पर बट यू लव माई कॉमेडी मेरे भाई जी जी आप फिफ्थ को क्या कर रहे हैं भाई रघु भाई ये क्या निकाल दिया जिस्म मुझे लगता है मैं रोड़ी बन गया हूँ भाई तो 5th अक्टूबर को क्या कर रहे हैं भाई आप कुछ नहीं तो मेरे जाटे काटेंगे क्या आप टाइम टू स्कोर वहां पे उसको बोला जाए मेरे पास तो बड़ी तलवार है मैं आपकी गांड काट सकता हूं छाटों का तो नहीं तो ये बोल सकता था ना हां बिल्कुल पहले सो जाओ 10 ऑन 10 ब्रो 10 ऑन 10 घबरा रहा है इस बार देने में पॉइंट समय पहले नहीं दिया इट्स ऑल डाउन टू मी मुझे नहीं लगता इसने 10 दिए होंगे खुद को भाई सो आई एम गोना गिव यू अ 5 hoping that your average 9 is what you have given yourself so your average is 9
इतना क्या कुछ हो गया भाई, 50,000 मिलेंगे वो सभी पता नहीं. What a guy bro, what a fucking guy man. तो मेरे भाई आपको मिलते हैं 1 lakh rupees from Walk Talk. अच्छा Walk Talk एक ही लाख नहीं दे यार. तो मेरे भाई now I give you an option. Either you get 1 lakh rupees fully, okay. Or फिर you get 1 year worth of Walk Talk noodles. 1 lakh, let's go baby. Okay, 2 years unlimited supply. जब जब लोग जीते हैं तब तक वॉकआउट खेलते हैं. But there is a catch. I forgot actually. Okay. We had one more winner. Okay. So we'll have to split that money. Okay, we'll split it. So you get 50,000 rupees. Okay. Or 1 year of Walk Talk. नहीं अगर मैंने ये लिया तो डेट के नाइट पे हमको ये खाना पड़ेगा. So we'll go five star, you know. अच्छा, but this is also 5 star, bro. It will add some spice to your relationship. Nah. You know what? I give it to you for free. Okay, you get 50,000 rupees plus 1 month unlimited Walk Talk, bhai. Let's That's go! What we get for. Congratulations, mere bhai. Last time. Round of applause once again for Mysterious Kaden, everybody. Thank you so much for watching India's Got Latent. जाने से पहले, there's a very special episode. The Rakhi Sawant episode is up next, which I will release when I hit 7 million. Stage अलग लग रहा है थोड़ा ना ये वाला. तो फटाफट subscribe करना. Stage का setup. अगर आपने इसको video को subscribe कर दिया और कल ही मेरे साथ मिलने हो गए तो कल ही Rakhi Sawant वाला episode आ जाएगा भाई. तो देख लो भाई, जब भी साथ मिलने होते हैं, Rakhi Sawant will be out. मतलब she's out only, but episode will be out. मतलब Rakhi Sawant के नाम पे खेल रहा है, 3 million सब्सक्राइबर ले लेगा, समझ रहे हैं? 2.5 million सब्सक्राइबर ये लोग कम पड़ रहे हैं और ये राखी सावंत साढ़े चार है क्या अभी इसका? बोला तो खुद ही इसमें 2.5 million का. हाँ तो भाई तुम बताओ कैसा लगा? एक घंटे का एपिसोड शूट किया हमने, है ना? तो एक घंटा ये क्या वर्थ इट थे हमारे? मतलब मेरे को तो ठीक लगा. ठीक लगा हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट के उससे अगर मैं देखूंगा वर्थ इट, मतलब प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं काउंट करेंगे, एज एंटरटेनमेंट देखा और नहीं, एज एंटरटेनमेंट ही पूछ रहा हूँ. हाँ, हाँ, भाई मेरा तो प्रोडक्टिविटी वर्थ इट था, ऐसा कुछ नहीं. पर मतलब जैसे अगर मैं कंपेयर करूंगा हाँ, तो ये सबसे मस्त तो नहीं निकला मेरे लिए. सबसे मस्त पैनल, अब मैं देखता हूँ इसको सिर्फ उसके लिए कि जो पैनल में बैठे आके, जितने भी जज आके बैठे, उन लोग कितना एंगेज कर रहे हैं बकचोदी. लेकिन रघु ने बढ़िया किया. रघु और समय रहना बीच में थोड़ा बहुत वो समय का वो बतार तन्मय. हाँ तन्मय, इन तीन लोग ठीक किए, बाकी तो फिर हाँ, नहीं हुआ. तन्मय भी बहुत कम किया, बहुत कम था. अगर पहली बार फर्स्ट व्यू, पहली बार व्यू देखने के बाद अगर मैं फीडबैक देना चाहूँ हाँ. तो जिस हिसाब का मतलब सोशल मीडिया में चीजें चल रही बहुत सारी हाँ. उस हिसाब से इसने एक अलग चीज निकाल के अपने अपने सामने लोगों के सामने रखी है हाँ. या इस तरीके से भी एक शो बना सकते हैं और वो चलेगा. फिर भी बात वही है कि कौन इस चीज को हिम्मत करेगा भाई. बहुत सारी चीजें ट्रेंड में चलती है बाहर कंट्रीज में, इंडिया में लाने के लिए वो और रिस्क लेने के लिए उतना होना चाहिए ना हिम्मत भाई. लेकिन इसका शो ना बस वही बकचोदी वजह से मुझे लगा चल गया वो. बात ये है कि वो उस चीज पे चांस ले रहा है. हम भी लोग भी तो ऐसे बात करते हैं कि अबे किस तरीके से करते हैं क्या, तो हम लोग थोड़ा कॉशियस आते हैं कि भाई नहीं मैं इस तरीके से अजीब लगेगा, है ना? ये उस चीज को किया यूज देखो, बिल्कुल अनफिल्टर्ड और सही है यार. और ये सब लोग माता जो देखते हैं ना हम लोग का वीडियो, जो अगर जो काम हम लोग कर रहे हैं समय ना कर रहा होता ना, तो उन लोगों ने भी चौका मार दिया. तो यही सीन है भाई. तो तुम कितना मतलब इस शो को कितना पॉइंट देना चाहोगे? शो को, पूरे शो को? और क्या अगर मतलब मुझे लगा इस एपिसोड ओवरऑल दोगे? अरे मतलब इस एपिसोड को ही. हाँ अच्छा, इस एपिसोड को 10 में से देना होता है कि 5 में से? 5 में से. मतलब मैंने पहली बार देखा है, मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और जिस हिसाब से इन्होंने हर एक चीज में और स्पॉन्सरशिप में मुझे जो जोक्स लगे, उन्होंने स्पॉन्सर को बोरिंग नहीं किया. जैसे कई लोग स्पॉन्सर रिपीट करते हैं, लेकिन बार बार करते हैं तो बेकार ही लगता है, बट इसने खराब नहीं किया. तो मैं इसको 5 में से 4.5 दे दूँ क्योंकि मैं पहली बार एपिसोड देख रहा हूँ, बट सब भी सही लगा. पसंद आया. बोलो तो भाई, देखो मैं नंबर दूँ?
कि पहले थोड़ा कुछ बता बता दो पहले बातचीत हो जाए जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे ना जैसे तुमने बोला कि वो पिछले वाले हाँ तो मुझे बहुत अच्छा मतलब ऐसे नहीं इससे अच्छे अच्छे देखे हैं उसके रवि गुप्ता वाला कितना मस्त है वो रवि गुप्ता वाले में सब लोग रवि गुप्ता की तो अलग लगी थी प्लस जो म्यूजिशियन आए थे वो वाला क्या नाम है जिसने वो गाना बनाया था आदमी चूतिया वाला हाँ वो भी मस्त विपुल गोयल भी उसी में था विपुल गोयल का अलग अलग था वो भी था बट रवि गुप्ता वाला सबसे बता वो वाला देखना भाई देख लेंगे वो भी देख लेंगे तो फॉलो करेंगे उस हिसाब से उतना नहीं था है ना और जस्ट कंटेस्टेंट भी नहीं हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे जज का बकचोदी देखने टैलेंट देखने नहीं आ रहे टैलेंट देखने मोटिव ही वही है कि जज लोग कितना बकचोदी करेगा आपस में और कंटेस्टेंट के साथ और उनका फायदा भी सारे मोस्टली जजेस में स्टैंड अप कॉमेडियंस मतलब दो ढाई मतलब वैसे वाले ऐसा नहीं है चेस प्लेयर्स को भी लेके आया है एक ना एक थोड़ा फील्ड से अलग बंदा रहता है जैसे न्यूरो साइंटिस्ट था मतलब सोशल मीडिया पे वो भी एक्टिव है बट उसका थोड़ा अलग चीज पे काम कर रहा है वो चेस प्लेयर है या फिर न्यूरो साइंटिस्ट जैसे आ जाया तो इस तरीके से आते हैं लोग रफ्तार आए थे सबसे पहले में रफ्तार और उसमें तो इन लोगों के पास पैसा खत्म हो गया था तो फिर रफ्तार बोल जाएगी एक और कंटेस्टेंट जो जीता है चलो उसको मैं पैसा ऐड कर दूंगा एक और करवा लेते हैं तो वो सारी चीजें भी हुई थी ठीक है शो ज्यादा वैसा नहीं है कि बहुत हाइप क्रिएट कर दिया या कुछ मतलब शो बना ही ऐसा है कि मजा आ जाए जो व्यूज उसको मिल रहे हो जस्टिफाइड है तो भाई मैं नंबर दूंगा इसको 3.5 3.5 पुराने एपिसोड से कंपेयर कंपैरिजन कर दूंगा यस मैं मतलब शो तो ऑब्वियसली अच्छा है वो कोई दिक्कत नहीं मेरा 3 है भाई 3 है हां 3 जस्टिफाइड है क्योंकि इसके खुद ही देखे हैं इसलिए हां वही तो सारे फॉलो किए हैं तो पिछली बार लास्ट वाला नहीं देखा था इससे पहले वाला जो था दीपक कला लोग वाला टाइम नहीं मिला मैं भी नहीं देखा तो कितना हो गया 15 में से 4.5-3.5 हो गया कितना 8-9 4.5-3.5 नीचे लोग ये ना बोल रहे की भाई मैं भी फेमिनिस्ट हूँ मैं भी फेमिनिस्ट हूँ मैथ्स में गलत कर रहा हूँ ना अरे ड्राइविंग तो कर लेता है ठीक तो गाइस 15 में से 11 नंबर हाँ? ड्राइविंग तो जेनेटिक है ना जेनेटिक बायोलॉजिकल सही बात है तो खत्म करें यहीं पे खत्म करते हैं भाई थैंक्स फॉर गाइस पास हो गए शो के लिए बट नेक्स्ट टाइम से बेंचमार्क और बढ़ जाएगा तो और कट्टर तरीके से हम लोग जजमेंट देंगे तो इसको ये बताओ हम लोग एक ही पार्ट में पूरा डालें या 3-4 पार्ट में करके डालें जैसे कितने टोटल 4 शोज हुए तो दो ऐसे करके डाल दूंगा इंट्रो इंट्रो मिला के अगर 10 मिनट का हो रहा होगा इंट्रो आउट्रो मिला के तो वैसे ही कर देंगे फिर है ना बाकी और गाइस यहाँ पे चैनल आ रहा होगा तो देख लेना और उसपे जाके देख कमेंट पे गाली गलौज तो कर देना बाकी सब्सक्राइब कर लेना लाइक कर लेना शेयर भी कर देना जो कर सकते हो बाकी मर्जी है तुम लोगों की नहीं भी करोगे तो भी चलेगा 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 चल तो हमारा रही चल तो रहा है तुमको लेकिन अपना ओपिनियन दे देना वो जो भी है मतलब गाली दोगे ओपिनियन जैसे ओपिनियन के नाम पे ओपिनियन अगर एक ऐसा करे हम लोग ये लोग पन्ने में लिख के उसका फोटो भेजे हमें तो हम लोग वो ओपिनियन देख लेंगे और उस पन्ने को तुम लोग गांड डाल लेना ठीक है यही पे खत्म करते हैं चलो भाई सायनारा।